नमस्कार। जैसा कि हम सभी को पता है कि एप्पल ने अपने 4 नए वेरिएंट्स लॉन्च कर दिए हैं आईफोन 13 के, यानी कि आईफोन 13 मिनी, आईफोन 13, आईफोन 13 प्रो और आईफोन 13 प्रो मैक्स। और साथ ही पहली बार एप्पल कुछ नई तकनीकों को अपने मोबाइल फोन यानी कि आईफोन 13 में उपलब्ध करा रहा है, जिसमें एक है सिनेमैटिक मोड, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी विस्तार से बता चुका हूं, जिसका की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहां से उसे देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में प्रोरेस के बारे में मैं कुछ आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा कि ये प्रोरेस आखिर चीज क्या है और किस तरह प्रोरेस हमारे वीडियो को बेहतर बनाने में सहायता करता है। इसके अलावा ध्यान में रखने वाली बेहद जरूरी बातों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे हमको आईफोन 13 के सही वेरिएंट को लेने में आसानी होगी। तो चलिए जानते हैं कि ये प्रोरेस होता क्या है। प्रोरेस एक कोडेक होता है जो कि वीडियो फाइल्स की रिकॉर्डिंग करते वक्त उपयोग में आता है। तो पहले तो अब हमें ये जानना जरूरी है कि कोडेक क्या होता है और क्यों ये जरूरी है किसी भी वीडियो फाइल को रिकॉर्ड करने के लिए। कोडेक एक तरीके का कंप्रेसर होता है जो कि हमारी वीडियो को कंप्रेस करके यानी कि सिकोड़ के एक कंटेनर में रखता है। कंटेनर यानी कि वीडियो फाइल का एक्सटेंशन, जो कि MP4, AVI या MOV हो सकता है। ज्यादातर मोबाइल फोन से होने वाली वीडियो रिकॉर्डिंग्स के जो फाइल एक्सटेंशन होते हैं वो या तो हमको MP4 में देखने को मिलते हैं और या MOV में देखने को मिलते हैं। मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। मान लीजिए ये रेक्टेंगल एक वीडियो है, तो ये वीडियो अगर अनकम्प्रेस्ड है यानी कि बिना सिकोड़े बिना कंप्रेस किए अगर ये वीडियो रिकॉर्ड हो तो इस अनकम्प्रेस्ड वीडियो का साइज 1 सेकंड में लगभग 143 MB होगा। तो यदि हमने 30 सेकंड में एक अनकम्प्रेस्ड वीडियो रिकॉर्ड किया तो वो हमारे फोन में लगभग 4 GB की जगह ले सकता है। तो अगर हमारा फोन 64 GB की मेमोरी का है तो हमारे फोन की स्पेस बहुत जल्दी भर जाएगी। इसलिए एक कोडेक बेहद जरूरी हो जाता है किसी भी वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, जिससे मोबाइल फोन में एक वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त स्पेस भी कम लगे और वीडियो की क्वालिटी भी ठीक ठाक दिखाई दे। सबसे कम साइज में ठीक ठाक क्वालिटी के साथ जो वीडियो रिकॉर्ड हो सकता है वो हमें मिल जाता है H.264 कोडेक में। ये कोडेक हमें MP4 या MOV नाम की फाइल एक्सटेंशन में मिल सकता है, लेकिन ये तब तक तो ठीक है जब तक आप इन वीडियो फाइल्स को अपने मोबाइल की स्क्रीन पे देख रहे हैं। लेकिन जब आप इन वीडियो फाइल्स को बड़ी स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको कहीं कहीं पिक्सेलेटेड वीडियो दिखाई दे सकता है। वो इसलिए क्योंकि ये कोडेक्स फाइल को काफी ज्यादा कंप्रेस करके साइज में छोटा कर देते हैं। अब आ जाते हैं इन H.264 वीडियोस की एडिटिंग पे, क्योंकि इन H.264 कोडेक फाइल्स की एनकोडिंग बहुत ज्यादा गहरे प्रोसेस में होती है, इसलिए डिकोडिंग करते वक्त प्रोसेसिंग पावर काफी ज्यादा लगती है, जिस वजह से एडिटिंग करने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तो अगर हमें अपने वीडियो को बहुत ज्यादा हैवी कलर ग्रेड नहीं करना है या फिर उस पे कोई विजुअल इफेक्ट्स नहीं करने हैं, तो उस अवस्था में ये H.264 कोडेक एक हद तक अच्छी वीडियो क्वालिटी दे सकता है। लेकिन अगर हमें प्रोफेशनल लेवल पे विजुअल इफेक्ट्स करने हैं या हैवी कलर ग्रेडिंग करनी है, तो फिर हमको एक ऐसा कोडेक चाहिए जो कि वीडियो को कंप्रेस तो करे लेकिन रिकॉर्डिंग करते वक्त वीडियो की क्वालिटी पे ज्यादा नुकसान ना हो। तो उस दशा में हमें कुछ ऐसे कोडेक्स चाहिए जो जगह भी कम घेरे हमारे फोन या कैमरे में और साथ ही साथ वीडियो की क्वालिटी को भी बनाए रखे। तो अब आते हैं कुछ ऐसे कोडेक्स जो वीडियो के फाइल के साइज को छोटा भी रखते हैं और वीडियो के रिकॉर्ड होने के वक्त ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन अपने अंदर समा सकते हैं। तो वैसे ही एक कोडेक को एप्पल कंपनी ने बनाया है, जिसको की प्रोरेस के नाम से जाना जाता है। ये प्रोरेस कोडेक जो है अभी तक सिर्फ प्रोफेशनल लेवल के कैमरों में ही उपलब्ध होता था, लेकिन अब एप्पल अपने उस कोडेक यानी कि प्रोरेस को लेके आ रहा है अपने आईफोन 13 में। क्योंकि ये कोडेक ज्यादा इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर समा लेता है, इसलिए इस कोडेक का फाइल साइज थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है लेकिन अनकम्प्रेस्ड वीडियो फाइल्स के साइज से काफी कम होता है। तो जहां 1 सेकंड में हमें H.264 कोडेक से मिलती है लगभग 7 MB की फाइल, वहीं अब हमें प्रोरेस कोडेक से मिलेगी लगभग 14 MB की फाइल। लेकिन ये अनकम्प्रेस्ड फाइल से अभी भी काफी कम है, क्योंकि अनकम्प्रेस्ड फाइल का साइज 1 सेकंड की वीडियो रिकॉर्डिंग में लगभग 143 MB होता है। तो अब प्रोरेस कोडेक में हमें मिलेगी वीडियो की मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन, जिससे हमें कलर ग्रेडिंग और विजुअल इफेक्ट्स करने में आसानी होगी। तो अब मैं बताता हूं कि जो ये इन्फॉर्मेशन होती है जो किसी कोडेक के अंदर इकट्ठा होती है
वो क्या होती है। तो यहां इंफॉर्मेशन का मतलब ये कहा जा सकता है कि जो वीडियो के डार्क पोर्शन होते हैं और जो ब्राइट पोर्शन होते हैं, वहां की हर एक चीज साफ साफ दिखाई दे और हर तरह के कलर को बेहतर से बेहतर तरीके से दर्शाया जा सके। एग्जाम्पल के लिए ये एक वीडियो है जिसमें हम देख सकते हैं कि आसमान ब्राइट है और जमीन के पास का पोर्शन डार्क है। तो इसमें जो डार्क पोर्शन है उसमें जितनी भी चीजें दिख रही हैं वो सभी पूरी डिटेल्स के साथ हैं या नहीं, और जो आसमान है उसमें भी सभी चीजें डिटेल के साथ हैं या नहीं, ये निर्भर करेगा हमारे कोडेक पे जब हम इसका कलर करेक्शन करेंगे। तो हम इस वीडियो की कलर करेक्शन करके देखते हैं कि ब्राइट पोर्शंस में यानी आसमान में दिखने वाले बादलों की डिटेल को किस हद तक अच्छे से हम देख सकेंगे। ये देखिए, और अब डार्क पोर्शंस में दिखने वाली सभी चीजों को कलर करेक्ट करके देखते हैं कि किस हद तक डिटेल्स हम देख पाएंगे। ये देखिए, ये वीडियो फाइल जो मैंने कलर करेक्ट की है ये H.264 कोडेक में है, तो इस हिसाब से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रोरेस कोडेक में इससे तो कहीं ज्यादा बेहतर ही परिणाम देखने को मिलेंगे। ये तो हुआ कुछ आसान शब्दों में प्रोरेस कोडेक के बारे में। अब मैं आपको बताता हूं कुछ बेहद ध्यान में रखने वाली बातें। एप्पल के आईफोन 13 प्रो और आईफोन 13 प्रो मैक्स में ही हमको ये प्रोरेस कोडेक मिलेगा, तो हमें इन्हीं दो वेरिएंट्स में से ही किसी एक वेरिएंट को चुनना होगा। लेकिन अब और भी ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि हम 128GB वाला वेरिएंट लेते हैं तो हमको प्रोरेस कोडेक में सिर्फ 1080p 30 फ्रेम्स पर सेकंड पे ही वीडियो रिकॉर्डिंग प्राप्त हो पाएगी, और यदि हमें प्रोरेस कोडेक में 4K 30 फ्रेम पर सेकंड की रिकॉर्डिंग चाहिए तो उसके लिए हमें कम से कम 256GB वाला वेरिएंट ही लेना होगा। मैं यही सलाह दूंगा कि यदि हमें प्रोरेस कोडेक में 4K 30 फ्रेम पर सेकंड पे रिकॉर्डिंग करनी है तो आईफोन 13 प्रो या आईफोन 13 प्रो मैक्स का 1TB वाला वेरिएंट ही बेहतर रहेगा। तो अब मैं आज्ञा लेना चाहूंगा, यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।